स्ट्रैटी गोल्ड शुड बी टू जस्ट पे योर बिल्स बट टू बी पेड वॉट यूर वर्थ कितना आपको मिलना चाहिए समझना जरूरी है ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग प्राइस सामने वाले का बजट समझो आप हमेशा वीक लैंग्वेज में बात करो ट्राई करो बंडल्ड प्राइस ले सके अपने आपको सेल्समैन ने कंसल्टेंट बोलो कंसल्टेंट की इज्जत बहुत होती है डोंट लोअर द रेट फॉर द होप ऑफ फ्यूचर वर्क कि भाई आगे बिजनेस देंगे आगे बिजनेस देंगे कम कर दो दैट्स नॉट द राइट वे अगर फ्री काम करना भी पड़े तो अच्छा टेस्टी मोडल मिले तो ही करें नहीं तो अवॉइड करें एक्सक्लूड रिविजन कई बार कस्टमर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगा चेंज 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 करो चेंज करो करो के लिए अलग स्कोप रखिए पांच से दस परसेंट हर छह महीने में, में पैसा बढ़ाइए जरूर पड़े लर्न टू से नो लिसन मोर देन यू टॉक बोलने से ज्यादा सुनिए समझिए सेल्समैन वही होता है बढ़िया जो अस्सी परसेंट सुनेगा बीस परसेंट बोलेगाट हाइर रेट अगर पॉसिबल हो सके तो कम दिन में ज्यादा वैल्यू अगर आपको मिल जाए फैंटास्टिक जाएल्ड वर्क विद माइलस्टोन इतने माइलस्टोन पे इतना पैसा लूंगा इतने माइलस्टोन में इतना पैसा लूंगा देन ट्रैक योर टाइम यूज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग उनको वैल्यू क्रिएट करके देखाओं तो बात बनेगी नो हाउ मच यू विल चार्ज ये बड़ा जरूरी है आपके लिए क्या सही है प्लान योर फी स्ट्रक्चर पर आवर करोगे पर डे करोगे पर यूनिट करोगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन फी लोगे मिनिमम अमाउंट लोगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लोगे बहुत तरीके हैं फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए इसमें आपका बिलेबल टाइम कितना लगा अपने टाइम की एक कॉस्ट निर्धारित कर लो भाई मैं इतना रुपया पर घंटा या इतना रुपया पर डे मैं चार्ज करना चाहिए मुझको आप परचेज आपने कोई किया प्रोजेक्ट में तो उसकी कॉस्ट ऐड कर लो ओवरहेड एक्सपेंसिस की उसकी कॉस्ट ऐड कर लो प्रॉफिट मार्जिन समझ लो उसकी ऐड कर लो मार्केट की कंसिडरेशंस हैं कोई तो उसको ऐड कर लो अब प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है ये उसको ऐड कर लो उसके बाद फिर अपना फी स्ट्रक्चर बताओ उनको अपना लोवेस्ट प्राइस भी डिसाइड कर लो डोंट गो बिलो दैट नो द बेंच मार्क फॉर रेट्स इन इंडस्ट्री दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट दी वर्थ टू द क्लाइंट भाई मेरा वर्थ ये है वो भी समझाओ उनको घबराओ मत अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं एक स्पेशल बजट भी अपना रखो फॉर चेंज ऑफ स्कोप इन वर्क जो मैंने आपको बताया था कॉग्स को पहचानो आपकी कॉस्टिंग क्या है ब्रेक डाउन करो डिसीजन मेकिंग यूनिट को कौन खरीद रहा है डिसाइडर कौन है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के लिए मार्केट में वो किसके पास जा सकता है उसको भी पहचान के रखना जरूरी है आपकी लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो अगर प्रोडक्ट एकदम नया नया है मार्केट में ज्यादा चार्ज कर लो अगर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो ड्रॉप कर दो उसको बोलते हैं ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज यानी कि आगे चल करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं एक प्रोडेटरी प्राइसिंग भी एक तरीका है ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉस्ट से भी कम चार्ज करना शुरू कर देते हो आप अंडर कटिंग करते हो जिससे आप कॉम्पिटिटर को उखाड़ करके एक अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेके आते हो थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है सस्ते में माल बेचना सेलर अ प्राइस सो लो डैट अदर सप्लायर्स कैन नॉट कंपीट जैसे बाकी सबको आप खत्म कर देते हो फिर कंज्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से भी प्राइसिंग कर सकते हो कि आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो लो क्वालिटी हाई प्राइस पर ले सकते हो आप प्रीमियम uh, मार्केट में जा रहे हो तो बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई प्राइस पर ले सकते हो जैसे आपका लुईवितन गुच्ची मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू वर्स अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस पर दे रहे हो तो रिलैक्सो मारुती सुजुकी या फिर चाइनीज मार्केट लो क्वालिटी लो प्राइस दोनों ही बहुत हल्का है ऐसे ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक मिल्किंग स्कीमिंग भी होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से निकाल लो ये तब होता है जब कॉम्पिटिटर्स नहीं हो कॉम्पिटिटर ज्यादा हो तो ये करना मुश्किल है लेकिन एक क्या होता है बैरियर प्राइसिंग ऐसा बैरियर क्रिएट कर दो कि प्राइस को कम कर कर करके कम कर करके दूसरे एंट्रेंट इसमें घुसी ना पाए आपके कॉम्प्यूटर बर्बाद हो जाए फिर एक होता है पेनेट्रेशन प्राइसेस ये ब्रेक इवन पे आप कर देते हो ताकि आप एग्रेसिव मार्केट करके कस्टमर को ले आओ और उसके रिपीट मिलेज से बाद में कमाओ फिर एक होता है लॉस लीडिंग आप अपनी कॉस्ट से भी कम कर दो जैसे जियो ने किया जैसे कॉम्प्यूटेटर खत्म हो गए पहले तेरह टेलीकॉम प्लेयर थे अब तीन ही रह गए एयरटेल वोडाफोन और जियो उसने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पे इतना प्राइस कम कर दिया कि सबके सब लोग जियो पे स्विच कर गए बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोग जियो पे स्विच कर गए। एक, एक और मॉडल बताता हूं आपको one time upfront charge plus maintenance. एक बार अप फ्रंट चार्ज ले लिया कोई सेटअप करने के लिए फिर थोड़ा लेते कॉस्ट प्लस मॉडल कि जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर कमीशन ले, ले लेंगे मैंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बना कॉस्ट प्लस मॉडल पे उसमें हमने क्या किया जितने रुपए का सामान आया सीमेंट रोड़ी बदरपुर लोहा लकड़ी फर्नीचर ए जो भी कुछ आया उस बिल्डिंग में उसके ऊपर उसने दस परसेंट अपना रख लिया भाई ये सामान आप डायरेक्ट इसमेंडा से ले लो मैं पूरी बिल्डिंग बना के दूंगा मैं दस परसेंट पर काम करूंगा आवरली रेट भी एक तरीका है कि आप कंसल्टेंट और सोलो इस प्रोडे काम करते हैं मैं घंटे के साथ चार्ज करूंगा सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है जोहो और नेटफ्लिक्स वगैरह सब सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं लाइसेंसिंग है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पे चार्ज करते हैं कंज्यूमेबल है एक आइटम बेचा उसके बाद जो कंज्यूमेबल यूज़ करेगा उस पर चलेगा जैसे प्रिंटर आपने बेचा तो इंक कंज्यूमेबल हो गया रेजर आपने बेचा तो बाद में ब्लेड कंज्यूमेबल हो गया आपने डीवीडी प्लेयर बेचा तो बाद में सीडीज कंज्यूमेबल हो गया ऐसे ही अपसेल भी एक तरीका है हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आप जैसे नेट डेटा के अंदर होता है इंटरनेट में एयरटेल का आप चार सौ निन्यानवे का पैकेज यूज कर रहे हैं वो छह सौ आपको बेचेंगे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है जैसे मीडिया है यूट्यूब है गूगल है उस पर एडवर्टाइजमेंट जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है उसके बाद बहुत ट्रैफिक है तो आपसे बाद में एड का पैसा ले लेता है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस भी एक तरीका है ट्रांजेक्शन फी भी है ई कॉमर्स में जाओ तो वो ट्रांजेक्शन फी चार्ज कर लेगा सेलर से शादी डॉट कॉम ई कॉमर्स यूजेज बेस्ट भी एक तरीका है सर्वर को जितना यूज किया एडब्ल्यू एस क्लाउड जितना यूज किया केवल उतना ही चार्ज करना यूज नहीं किया और चार्ज नहीं करना आरपू एक तरीका है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मंथली चार्ज करते हैं है। है। में में अगर, है। अगर हो सके तो फ्लेक्सीबिलिटी भी दीजिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्योंकि अलग अलग कस्टमर अलग अलग पैसा पे करते हैं उसको समझना पड़ेगा मोबाइल फोन शुरू में महंगा बिकता है बाद में सस्ता बिकता है रियल शुरू में सस्ता बिकता है बाद में महंगा बिकता है मोबाइल फोन जब एप्पल का कोई नया आएगा तो शुरू में एक लाख का होगा बाद में अस्सी हजार का सत्तर हजार का हो जाएगा रियल एस्टेट आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा रहे हो शुरू में सस्ता मिल जाएगा जब रेड टू मूव इन बहुत कस्टमर आके रहने लगते हैं तो बाद में थोड़ा महंगा हो जाता है देखो एक बात समझ लो अगर ओवर प्राइस कर दोगे तो सेल कम हो जाएगी अंडर प्राइस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा राइट प्राइस करना है फिर से सुन लो ज्यादा चार्ज करोगे तो सेल्स कम हो जाएगी लोग दूसरों से खरीद लेंगे बहुत कम चार्ज करोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा बिजनेस ही बंद हो जाएगा